गाइस, दिस इज एनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एविडेंस के ऊपर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस एक्चुअल में होता क्या है। हम लोगों को पता होना चाहिए जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो कोर्ट में क्रिमिनल या सिविल, तो क्रिमिनल में एविडेंस जो होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए एंड सिविल में प्रोबेबिलिटीज ऑफ बैलेंस होना चाहिए, सो दैट हमारा जो केस है हमें अच्छे से जस्टिस मिल सके और केस जो होता है वो अच्छे से परस्यू कर सके। बट आज का जो टॉपिक है गाइस हमारा, वो जरूरी नहीं है सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए या फिर जो लीगल प्रोफेशन में होते हैं बंदे उनको बताना चाहिए। इनफैक्ट ये हर एक किसी को, लेमैन को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है या फिर हमने कोर्ट में कुछ जाकर प्रूफ करना है तो हम किस किस तरह का एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। बट गाइस, टुडेस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एविडेंस की। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस गाइस होता है जो कि कोई भी विटनेस जो होता है कोर्ट में जाता है अपनी स्टेटमेंट या अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो कोर्ट उसको मानती है कि ये फैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ होगा, ये क्राइम जो है वो कमिट हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है गाइस इनडायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इसकी जरूरत तब पड़ती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस की जब कोई भी डायरेक्ट एविडेंस कोर्ट में नहीं हम लोग पेश कर सकते। तो हम क्या करते हैं, कोई भी केस के रिलेटेड हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंस के अकॉर्डिंग उसके बिहाफ के ऊपर उसको फॉलो करते हुए हम लोग कोर्ट में जाकर किसी भी सिनारियो के रिलेटेड कोर्ट को ट्राई करते हैं कि कोर्ट माने ऐसा एडमिसिबल हो कि हाँ जी ये फैक्ट जो है, ये चीज जो है, ये क्राइम जो है वो कमिट हुआ है। एक्चुअल में जो इनडायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है वो डेफिनेट प्रूफ नहीं होता एक तरह का, कोर्ट उसको जरूरी नहीं है एडमिसिबल माने, बट इट डिपेंड्स करता है कि ये किसी ना किसी तरह का जर्नल आइडिया या डाउट कोर्ट के माइंड में इस्टैब्लिश कर देता है कि हाँ भाई आप सोचो इसके बारे में, ये चीज इसके साथ लिंक कर सकती है। नाउ थर्ड हमारे पास जो आता है वो है जुडिशियल एविडेंस। इट्स वेरी इजी। जुडिशियल एविडेंस कोई भी अगर अक्यूज्ड पर्सन है कोर्ट में जाकर कन्फेस करता है मैजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने ही काम किया, मैंने ही क्राइम किया, तो ऑब्वियस है कि कोर्ट उसको मानती है, तो वो हो जाता है जुडिशियल एविडेंस, क्योंकि वो जुडिशरी को फॉलो करते हुए प्रोसेस को कोर्ट में जाकर बोल रहा है, तो वो जुडिशियल एविडेंस हो जाता है। बट पॉइंट इज वो अपनी विलिंगनेस से वो काम करे, बोले, अपना कन्फेस करे, तभी कोर्ट मानेगी। ये भी हमारे लिए जरूरी है गाइस याद रखना। नाउ नॉन जुडिशियल क्या होता है? हमने जुडिशियल पढ़ा कि जो बंदा, जो पर्सन अक्यूज्ड जो होता है वो कोर्ट में जाके बोलता है कि मैंने ये काम किया। नॉन जुडिशियल होता है कि उस पर्सन ने कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं बोला पर किसी दूसरे पर्सन को बोला कि हाँ जी मैंने ये क्राइम किया, तो वो बंदा जो होता है उसके सामने जो वो क्राइम एडमिट कर रहा है वो चीज बन जाती है नॉन जुडिशियल। मतलब कि जुडिशरी सिनारियो में नहीं बोला उसने, उसने आम अपनी बोलचाल में बोला, वो हो जाता है नॉन जुडिशियल एविडेंस। नाउ गाइस विल कम ऑन फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है गाइस? हमारा कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गई, कोई भी विल हो गई, कोई भी ओरिजिनल रजिस्ट्री हो गई, मतलब कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो भी चीज होती है वो हमारी होती है प्राइमरी एविडेंस। और कोर्ट में जब हम पेश करते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में आके कोर्ट उसको एडमिसिबल मानता ही है। देन हम आते हैं सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है गाइस? सेकेंडरी एविडेंस होता है जब कोई भी ओरिजिनल चीज हमारे पास नहीं होती तो हम कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि हमें उसकी फोटोकॉपी कोर्ट में सबमिट करवानी है, तो वो आ जाती है सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में, तब कोर्ट उसको जाके एडमिसिबल मानते हैं जब कोई भी ओरिजिनल चीज नहीं होती। एंड देन हमारे पास आता है रियल एविडेंस। हमने पहले पढ़ा था गाइस कि डायरेक्ट एविडेंस में जो विटनेस कोर्ट में आते हैं वो स्टेटमेंट देते हैं, कन्फेशन देते हैं कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, तो उनका जो वो डायरेक्ट एविडेंस बन जाता है उनका, जैसे कि आई विटनेस हो गया या कोई भी। बट रियल एविडेंस वो होता है जब भी कोई सी इंस्पेक्शन के द्वारा हमें कोई मटेरियल, कोई एविडेंस हमारे हाथ में लगता है और कोर्ट के जाके हम उसको पेश करते हैं। ये नहीं कि किसी विटनेस ने कोई इंफॉर्मेशन दी हम वो जाके कोर्ट में दे रहे हैं, वो चीज नहीं होती। मींस किसी चीज को इंस्पेक्ट कर कर जो भी मटेरियल, कोई फैक्ट, कुछ भी हमारे हाथ में लगता है रियल एविडेंस के तौर पे, हम कोर्ट में जाके वो सबमिट करवाते।
नाउ हमारा नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है हियरसी एविडेंस की। हियरसी एविडेंस क्या होता है गाइस, बंदे ने विटनेस ने आके कोर्ट में अगर कुछ भी अपनी एविडेंस दे रहा है तो उसने वो चीज पर्सनली ना देखी होती है ना सुनी होती है और ना ही उसको फील किया गया होता है। मतलब ये एक तरह की बहुत ही वीक कैटेगरी होती है। मतलब किसी थर्ड पर्सन से कोई बात सुनकर कोर्ट में आके बता दी कि हाँ जी मैंने ये चीज सुनी थी और देखी थी। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट आता है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस जो होता है वो एक तरह का हेयरसी एविडेंस से कुछ हद तक स्ट्रांग होता है, बिकॉज उसमें बंदे ने पर्सनल अपनी हर एक चीज को देखा भी होता है, सुना भी होता है और महसूस भी किया होता है। मतलब कि पर्सनली उसको एक्सपीरियंस होता है तभी वो कोर्ट में आके अपनी एविडेंस दे रहा है। बट ओरल एविडेंस की एक कंडीशन होती है कि ये जो चीज है अगर कोई पर्सन कोर्ट में आके बोल रहा है, ओरली तौर पे एविडेंस दे रहा है, मतलब जस्ट बात कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है एविडेंस के तौर पे, तो वो चीज उसने पर्सनली एस्टैब्लिश करे वो चीज कि हाँ जी ये फैक्ट जो है, जो मेन इश्यू है ये एस्टैब्लिश हुआ था और मैं इसका एक तरह का एविडेंस दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पर्सनली फील किया या देखा या फिर इसको सुना, मैं वहां पे था पर्सनली तौर पर। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, वही कोई भी अगर हमें इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी केस के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है या फिर कोई भी हमारा सर्टिफिकेट हो गया या कुछ भी हो गया, वो हर एक चीज जो होती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आती है। मतलब कि कोई भी किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंक्लूड होता है।